गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। मैं आपका अपना जतिन राजपाल। तो करते हैं आज की नई वीडियो की शुरुआत। तो अभी हम पहुंच चुके हैं आशिकी पार्क वाले रोड पे ही, जो हमारी कल की डेस्टिनेशन थी। आज हम निकल रहे हैं रोहटा पार्क के लिए, जिसे मदन लाल ढींगड़ा पार्क कहते हैं। वहाँ भी जाके आज देखते हैं कि क्या कैसे है, कितनी भीड़ रहती है, कितना क्या रहता है। तो आपको मिलते हैं पार्क के अंदर। तो अब हम चले हैं पार्क के लिए, और अब आगे दिखाते हैं कि पार्क कितना बड़ा है। और ये भाई आ चुका है, मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही हैं अकेले। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं पार्क। लॉकडाउन के कारण यहाँ के पूरे तीनों के तीनों गेट बंद है, तो रास्ता तो ढूंढ लेंगे। ओ जी, अब हम पहुँच गए हैं शहीद मदन लाल ढींगड़ा पार्क। तो इस टाइप से कुछ दिखता है। चलो एंटर करते हैं बिना टच करे कहीं पे, देखते हैं कहाँ से गेट खुला है या दीवार टपाएंगे हमारे को ये। कुछ इस टाइप से दिखता है रोहटा पार्क। बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। अगर मुझे पता होता ना पहले इस साइड से अगर ये खुला है, तो मैं यहीं से ही आ जाता आराम से। यहाँ पर कार्य प्रगति पर है, यहाँ काम चल रहा है अभी। साइड में दीवारें ऊंची उठाने का काम चल रहा है। ये देखो, क्योंकि ये ज़मीन धसक रही है नीचे से, बिल्कुल खोखली होती जा रही है, तो इस करके दीवारें ऊंची उठाई जाएंगी बीम के साथ। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि कितना बड़ा पार्क है और इसमें क्या क्या बना हुआ है। इस पार्क के अंदर एक स्टेडियम भी बना हुआ है, और एक स्विमिंग पूल भी है, और एक टेनिस खेलने के लिए वो हॉल भी बना हुआ है अलग से। अगर किसी भाई को स्टेडियम में रेस वगैरह मारने के लिए आना है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेडियम बना हुआ है। तो आपको दिखाते हैं अभी स्टेडियम भी। तो ये पूरा ही बड़ा स्टेडियम बना हुआ है, रेस मारने के लिए बहुत बढ़िया जगह है ये। 400 मीटर का राउंड है ये। जो भाई रेस मारने के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया जगह है। और ये देखो, बैठने का भी सारा ध्यान दिया हुआ है, हर चीज़ का ध्यान है। बस अभी काम चल रहा है यहाँ पे, काम पूरा होते ही एक नंबर का बन जाएगा। चलो आपको और दिखाते हैं। यहाँ पे स्विमिंग पूल या टेनिस रूम है, अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या बना हुआ है। अभी भी यहाँ भी काम चल रहे हैं सभी, क्योंकि गेट लॉक है इनके, बाहर से कुछ दिखता नहीं दिखता, ये देखते हैं। स्विमिंग पूल,
ये जो हॉल बना हुआ है, ये वाला हॉल, इसके अंदर टेनिस रूम है। तो देखते हैं, आपको दिखाते हैं अगर खिड़की के अंदर से कुछ दिखता है तो। काम चल रहा है अंदर, देखो कैसे सामान खिंडा हुआ है। अभी काम यहाँ पे बहुत काम रहता है, तो काम पूरा होने के बाद आपको एक वीडियो और दिखाएंगे यहाँ की। तो चलो आपको वापस पार्क में ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे क्या चल रहा है। ये है मदन लाल ढिंगड़ा जी, जिनके नाम पे ये पार्क है। जो यहाँ की मशीनें हैं, यहाँ की मशीनों के हाल बहुत गंदे हुए पड़े। देखो ये टूटी हुई है, एक मशीन ये टूटी हुई है, एक ये साइड वाली भी टूटी हुई है और एक ये भी टूटी हुई है। सारे बिल्कुल हालात ख़राब हो पड़े इन वाली मशीनों के, तो देखने जी भी नहीं कर रहा करने का। ये देखो बच्चों के झूले टूटे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो ये दोनों के दोनों झूले ऐसे ही होए हुए हैं, और ये देखो ये लटकने वाला बच्चों का झूला देखो कैसे होया हुआ। तो यहाँ पे पार्क का सुधार थोड़ा यहाँ पे मेरे को गलत लगा है। तो आप भी कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ गलत लगा हुआ हो तो। तो अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी पे हैं और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना।